नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। घटनास्थल से हाथ मलते लौटी पुलिस, प्रशासन नहीं मिला गुमशुदा आकाश का कोई सुराग। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा, रिपोर्ट कमलेश किशोर। एक बार फिर वैशाली जिले में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन सख्त दिख रही है, वही अपराध कर्मी अपराध कर पुलिस प्रशासन से दो दो हाथ करने को तैयार रहती है। जहां एक तरफ प्रशासन शराब माफियाओं को नकेल कस रही है, वही अपराध कर्मी लूट एवं हत्या की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इसी क्रम में एक घटना वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल क्षेत्र के कटहरा ओपी थाना क्षेत्र की है, जहां विगत 15 जुलाई 2021 को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने परिवार के इकलौते संतान 15 वर्षीय आकाश कुमार, पिता अनिल कुमार भगत ताल से हंस छोट की छपरा निवासी का कोचिंग से लौटते समय अपहरण करने का मामला परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था। इस संबंध में कटहरा ओपी प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ताल सेहान छोट की छपरा निवासी बिंदेश्वर कुमार पिता नथुनी भगत को गिरफ्तार कर पूछताछ किया। इस दौरान गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताया गया कि हम लोग आकाश की हत्या कर भगवानपुर थाना क्षेत्र के मांगनपुर स्थित बाया नदी में बोड़ा में डालकर लगभग 20-25 इंच के साथ फेंक दिए हैं। इस घटना में उसके द्वारा कुछ और नाम बताए गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इन सभी जानकारियों के बाद कटहरा ओपी प्रभारी ने गोरौल थाना एवं भगवानपुर थाना से संपर्क कर अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां कटहरा ओपी पुलिस प्रशासन के साथ गोरौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, भगवानपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार एवं सदर एसडीपीओ राघव दयाल द्वारा लोकल गोताखोरों की मदद से लाश खोजने का काम शुरू किया गया। सफलता न मिलते देख एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई, परंतु 7 से 8 घंटे लगातार परिश्रम के बाद भी गोताखोर सफल नहीं हो पाए और सभी पुनः वापस लौट गए। वेस्ट किसो उसमें